इंटरमीडिएट सुभाषित रतनानी 2019 के बाद जो 20 में एग्जाम आएगा उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मात् अपि सुभाषितम्। कहने का तात्पर्य यह है, भाषासु माने भाषाओं में सप्तमी का बहुवचन लगा है। जहां पे सु आता है तो क्या होता है? सप्तमी का बहुवचन। तो भाषाओं में मुख्या माने मधुरा माने दिव्या माने गीर्वाण भारती माने देवताओं की भाषा। गीर्वाण भारती माने देववाणी या देवताओं की भाषा। तस्या ही और उससे भी मधुर काव्यम माने तस्मात अप माने उससे भी तस्मात अपि उससे भी। और तस्मात रूप है पंचमी एक वचन का, से आता है तस्मात माने उससे, अपि माने सुभाषितम माने सुभाषितम। भाई भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत भाषा है। तस्याह माने उससे भी मधुर उसका काव्य, और उससे भी मधुर सुभाषित हैं। सुभाषित माने सुंदर वचन या अच्छे वचन। समझ में आ गया? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम्। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाणी संस्कृत भाषा है, उससे भी उसका काव्य मधुर है, और काव्य से भी मधुर सुभाषित हैं। हाँ, अगला श्लोक है, सुखार्थी ना कुतो वेद्या विद्यार्थी ना कुतः सुखम। सुखार्थी वत्यजेत विद्याम विद्यार्थी वत्यजेत सुखम। सुखार्थिनः माने सुख चाहने वाला, सुख अर्थिनः, अर्थिनः माने अर्थ निकालने वाला या चाहने वाला। सुख चाहने वाले को कुतो माने कहाँ है? कुतो माने विद्या माने विद्या। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो माने कहाँ? विद्यार्थिनः माने विद्यार्थियों को, सुखम माने सुख और विद्यार्थी को सुख कहाँ। भाई सुख चाहने वाले को विद्या नहीं और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं, विद्यार्थी को सुख कहाँ? सुखार्थी माने सुख चाहने वाला। एक साथ बोलो, सुखार्थी माने वा माने जो, वा माने जो। त्यजेत माने त्याग दे, त्यजेत माने विद्याम माने विद्या। और विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाला, विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाला। वा माने त्यजेत माने त्याग दे सुखम माने सुख। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सुख चाहते हैं वो विद्या त्याग दें, और जो विद्या चाहते हैं वो सुख त्याग दें। सुखार्थी नाह कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी नाह सुखम। सुखार्थी वत्यजेत विद्याम विद्यार्थी वत्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या, वो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ।
जो सुख चाहता है वो विद्या त्याग दे, और विद्या चाहने वाला सुख चाहे। तो ये विद्यार्थी के लक्षण होने चाहिए, क्योंकि जो सुख चाहता है कि हम कायदे से सोएं, डकार मार के खाएं, हैं फैशन दिखाएं, तो उसको क्या है, वो सुख चाह रहा ना, तो विद्या नहीं आ सकती। और जो इसको विद्या आती है वो सुख त्याग दिया करता है। फिर देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना उम्दा श्लोक है, बहुत मस्त श्लोक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्वविद्यानामुधर्मस्य च धनस्य च जलबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु माने जल की बूंदें, निपातेन माने गिरने से है, इसलिए तृतीया का एक वचन है, क्योंकि से के द्वारा जहां पे होता है करण कारक तथा तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप होता है। तो जल की बूंदे निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, क्रमशः माने धीरे धीरे, और क्रम से भी कह सकते हो, क्रमशः माने क्रम से या धीरे धीरे। पूर्यते माने भर जाता है, पूर्यते माने घटा माने घटा माने घटा माने जल की बूंदों के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। सह हेतु सामाने वही, सामाने हेतु माने कारण, वही कारण सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं में, सभी विद्याओं का विद्या नाम लिखा ना, रामस्य रामयोः रामाणाम खष्टी का बहुवचन, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्मस्य में खष्टी का एक वचन, धनस्य में खष्टी का एक वचन, का की के लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, वही हेतु वही कारण सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। यानी जिस प्रकार, अब इसकी थोड़ी व्याख्या भी लिख देंगे, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घट भर जाता है, ठीक उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा कर्म करने से, थोड़ा थोड़ा धर्म करने से, थोड़ी थोड़ी विद्या अर्जन करने से हम संपूर्ण पुष्ट हो जाते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा धर्म करेंगे तो एक दिन बहुत बड़ा धार्मिक आदमी बन जाऊंगा, और थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करेंगे तो एक दिन बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा, और थोड़ी थोड़ी विद्या ग्रहण करेंगे तो एक दिन बहुत ज्ञानी बन जाएंगे। तो यही कारण सब में होता है, ठीक है। हाँ, चौथा श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। तो काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र विनोदेन, तीन शब्द हैं। काव्य का मतलब जानते ही हो,
कविता, काव्य, शास्त्र, वेद शास्त्र, कितने शास्त्र हैं, वेद शास्त्र, विनोदेन माने मनोरंजन के कारण, मनोरंजन से। विनोदेन में भी तृतीया का एक वचन लगा है, कर्म कारक है, से के द्वारा इसका अर्थ निकलेगा। यानी काव्य शास्त्र के मनोरंजन से, काव्य शास्त्र के विनोद माने क्या होता है, मजा लेना या मनोरंजन या आनंद उठाना। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में कालो गच्छति, कालो माने समय, कालो माने समय, कालो माने समय, तेज बोलो हमको कम बोलना पड़े, समय, कालो माने समय, गच्छति माने व्यतीत हो जाता है, चला जाता, गच्छति माने चला जाता है, गच्छति माने चला जाता है। धीमताम, विद्वानों का, धीमताम माने विद्वानों का, धी माने बुद्धि, मताम माने मान, बुद्धिमान, मतान में मतुप प्रत्यय लगा है, हाँ। और धी माने बुद्धि होता है, तो मतुप प्रत्यय जहां लगा होता वहां पे मान आता है, मान। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र के विनोद में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। व्यसनेन, व्यसनेन माने बुरी आदतें, व्यसन बुरे, चा माने और, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, मूर्खों का, निद्रया माने सोने में, कलहेन माने झगड़ा करने में, वा माने अथवा, वा माने अथवा। हाँ, तो काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है तथा मूर्खों का समय सोने और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है।